हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एक्सेल चैनल में। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में डी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहां पर एक डेटा शीट तैयार किया हुआ है, जिसमें कुछ नेम ऑफ आइटम है और उनका क्वांटिटी है और प्राइस है, और एक तरफ मैंने वो कंडीशन रखी है जिसका मुझे रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन ये रखी है कि एलईडी वाला जो आइटम है, ठीक है, उसका जो अबव 14,000 जिनका प्राइस है, मुझे उन एलईडीज का टोटल क्वांटिटी यहाँ पर चाहिए डी सम फंक्शन के थ्रू। चलिए देखते हैं फिर वो कैसे होगा। तो सबसे पहले डी सम आप जैसे यहाँ चूज करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पर अगला आर्गुमेंट आएगा डेटाबेस। डेटाबेस मींस वो जो हमारा डेटाबेस ये मैंने बनाया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पूरा इसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अगला हमारा जो है वो है फील्ड। तो फील्ड हमारा क्या है, क्योंकि हमें क्वांटिटी चाहिए तो फील्ड हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा एक कॉलम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपको यहाँ क्लिक करके F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस जैसे ही आप करेंगे तो उसका हेडर जो है क्वांटिटी का, वो पूरा कॉलम वहां पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके सेलेक्ट होते ही देन आपसे पूछेगा क्रिटेरिया। क्रिटेरिया ऑलरेडी हमने ले रखा है ये वाला, नेम ऑफ आइटम एंड प्राइस। तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके इंटर कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसने हमें रिजल्ट दिया इसका कि एलईडी में जिनका प्राइस 14,000 से ऊपर है, उन सबका टोटल जो क्वांटिटी है वो है 650। तो चलिए हम देखते हैं, 14,000 से हमने ऊपर की कंडीशन लगा रखी थी, तो 14,000 के पास ये है। तो मैं इसको थोड़ा कलर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब मैं अगर इनका सम करूँ ऐसे ही मैन्युअली, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 650, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर एलसीडी का रखता हूँ, एलसीडी, ठीक है, और कंडीशन में यहाँ पर रख देता हूँ अबव 22,000, ओके, 22,000। देखिए जैसे मैंने यहाँ चेंज किया तो यहाँ की जो क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो गई। तो हम देखते हैं एलसीडी का भी इसने सही बताया कि नहीं बताया। तो 22 से ऊपर की मैंने वैल्यू लिख रखी थी रेंज, और यहाँ पर है 820, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इस डी सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।